देखिए ये मोदी जी का सोच है, मोदी जी के सोच के साथ पेमा खांडू जी का डबल इंजन है अरुणाचल प्रदेश। हमको जनता को बताना है इसका मकसद क्या है, ऐसा एरा गेरा बोल के बात नहीं है, सच्चाई को बताना। इसका सबसे पहला फायदा ए ड्रीम कम्स थ्रू बोलना है। हमारा देश में भी इस लग्जरी इस फैसिलिटी का ट्रेन चल रहा है, एक फायदा ये है। दूसरा फायदा 92 डेलीगेट्स अभी 100 का लगभग यहाँ आया, इसका फायदा उठाते हुए टूरिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए फायदा हमारा स्थानीय आदमी को होगा। ये दो तीन चीज को समझना है, बाकी फायदा नहीं है बात करके। तो अभी वो लोग अपना 30% सब्सिडी में आया, इतना फैसिलिटी वाला ट्रेन डाला, उसके बाद वो लोग एक नज़र यहाँ घुमा के गया। बहुत लोग तो पहले बार आया है अरुणाचल प्रदेश में 90%, अभी अगला बार आएगा अपना सगे संबंधी को बताएगा, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म का क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ हम लोगों को समझना है अरुणाचल जनता को, हम कैसा बर्तलाव करें, हमारा स्वभाव कैसे हो, हम कैसे वो लोग को अपना अतिथि देवो भावा करें। मैं यही चीज़ जनता से अपील करना चाहेगा कि देश और प्रदेश पेमा खांडू जी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हम इसको फायदा उठाना है। दूसरा, आज का दिन में पैरेलल हमारा G20 समिट में, मैं इसलिए अभी भाग रहा हूँ, वहाँ का तैयारी मुझे देखना है। अभी 4 बजे से 4:30 बजे हमारा यहाँ का प्रोग्राम शुरू है। यहाँ 19 देश और यूरोपियन यूनियन, जो मैं बारी बारी से बता रहा हूँ, यहाँ बैठक करेंगे, वो भी इकोनॉमिक रिलेटेड है। सारा हम लोग, आप लोग, सारा दुनिया, सारा देश, सारा इंसान जाति इकोनॉमी के लिए रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होता है उसको अच्छा से परखना है, अच्छा से समझना है, तब आगे बढ़ना है। इकोनॉमिकली साउंड मतलब वी आर डेवलप, डेवलप मतलब हम लोग बाकी देश से बराबर आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, अपना देश देखो, अपना प्रदेश देखो। आप सबका माध्यम से जो आज अतिथि इधर में जो आया, गेस्ट आया, हम लोग ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, सारा जनता का, प्रदेश का ओर से हम लोग तहे दिल से सबको, हम यहाँ, हम सबको यहाँ स्वागत करता है। और हम ऊपर वाले से ये कामना करता है कि वापसी अपने घर तक, अपना चौकत तक कुशल मंगल, सब स्वास्थ्य और सुरक्षित वापस पहुँचे। इन चंद शब्दों के साथ सारा अरुणाचल जनता को ये बताना चाह रहा है कि सारा अरुणाचल, अब ईटानगर पहला वाला नहीं है, अभी आगे बढ़ रहा है। आप सब कंधे से कंधा मिला के चलिए। नमस्कार, जय हिंद। मेरा ओर से, मैं ईटानगर का विधायक होने का नाते है, बहुत बहुत भारत सरकार को और अरुणाचल सरकार को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि भारत गौरव जो ट्रेन है, जो इसी में जो है हमारा जो टूरिज्म लुक आया है, दिल्ली से चल के आया है, और यहाँ जो है नॉर्थ ईस्ट में उन लोग कम से कम 15 डेज रहेगा, आज दिन भर हमारा अरुणाचल में रहेगा। और मैं चाहता हूँ इसी तरह की कहीं से भी इंडिया से, नॉर्थ शोर से कहीं से भी अगर आ जाए अरुणाचल में और अरुणाचल का बारे में देखे जाने, और अरुणाचल में किस जगह में हमारा जो अभी ट्रेन जाने का सुविधा नहीं है, जो जो जगह में जो ट्रेन जाने का सुविधा है, उन लोग उसका आनंद लेगा। टीचर्स तो यहाँ स्लीपिंग अरेंजमेंट अच्छी है, इट इज़ कम्फर्टेबल, एमएलए साहब ने भी देखा है, एंड दे हैव इनबिल्ट लाइब्रेरी इन ईच कोच, दे हैव टू रेस्टोरेंट एंड वन पैंट्री कार, कुकीज फूड हियर ओनली, एंड दिस इज लग्जरी ट्रेन। दिस इज अ 15 डेज टूर फ्रॉम दिल्ली एंड गोइंग बैक अप टू दिल्ली, दे विल रिमेन हियर फॉर आई थिंक अनदर 8-9 डेज, बिकॉज 2-3 डेज इज द ट्रेवल टाइम। तो डे टाइम दे आर एक्सप्लोरिंग द नॉर्थ ईस्ट, द ट्रेन नेम इज नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी ट्रेन, भारत गौरव। How much is affordable? How much cost? Cost part, I think IRCTC will tell. It is available on online. And this is specially made to know the heritage of the rich heritage of the country. And this is the 30th tour. We have started this in April of 2022. First train started as a Shirdi Temple Yatra. Similarly, with a special theme,
we run this train. This is the 30th group train. Your name and this station? I'm ADRM, ADRM Rangia Division. This is our divisional place. Naharlagun is a very important place. I hope all the travelers should explore the Arunachal and they visit again and again to increase our the hospitality industry and the tourism industry as well as the employment. And I hope there will be cultural interaction of the domestic people who are coming from the different states.